हो गया गॉसिप खत्म। प्लेसेस चेंज कर लिया तुम लोग? लॉस डिस्ट्रीब्यूशन, ये क्या हो रहा है? दिस इज चैप्टर 15। अगर तुम लोग मेरे क्लास में ऐसे दो पेन्स रखोगे फॉर योर नोट्स तो इजी रहेगा। देखो मेरा भी कितना अच्छे से दो तीन पेन से बनाए हुए नोट्स। नहीं बट ऑनेस्टली टेलिंग यू, सुन लो, मजाक का बात नहीं है। CS2 में अगर तुम लोग अच्छे से नोट्स बनाओगे, इट विल हेल्प यू इन योर एग्जाम ओनली। बिकॉज एग्जाम के एक दिन पहले तुम लोग ऑब्वियसली मटेरियल तो लेके नहीं बैठोगे ना, तो नोट्स एनीवेज काफी सारे हैं। दो कॉपी तो इजीली खत्म हो जाएगा तुम लोग का, तो एनीवेज नोट्स बहुत है CS2 में। तो अगर नोट्स बनाओगे एंड अपने खुद से बनाओगे हैंड राइटिंग में, तो इजी रहेगा फॉर यू ऑल टू रिवाइज। ऑनेस्टली अभी नहीं फील हो रहा है, बट एंड रिविजन के टाइम पे भी तुम लोग को इजी रहेगा। तुम लोग ऑब्वियसली उस समय भी क्लासेस नहीं देखोगे, या फिर तुम लोग मटेरियल नहीं गो थ्रू करोगे ना, तुम लोग ये करोगे, नोट्स ही गो थ्रू करोगे। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि उसको अच्छे से मेंटेन करो। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले तो कुछ बेसिक नोटेशंस हैं जो सबको आते हैं, वो क्विकली रिवाइज करते हैं हम लोग। सो देर आर सम बेसिक नोटेशंस। कितना बात करेगा तुम लोग? PDF का बेसिक नोटेशन क्या होता है? स्मॉल एफ एक्स, ठीक है। दो चीज, जैसे हम यहाँ एक्स लिखते हैं, यहाँ स्मॉल एक्स लिखते हैं। सो दिस इज द वैल्यू स्मॉल एक्स, एंड कैपिटल एक्स मीन्स दैट दिस इज द PDF ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एक्स, ठीक है, वेरिएबल एक्स। CDF कैसे लिखते हैं? कैपिटल एफ एक्स। ये क्या होता है? एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स। अगर कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन है तो एक्स एफ एक्स, नहीं तो फिर समेशन ऑफ एक्स प्रोबेबिलिटी एक्स इक्वल टू एक्स फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स, ठीक है। बेसिक वेरियंस, वेरियंस ऑफ एक्स क्या होता है? एक्स स्क्वायर, बोलो, एफ एक्स डी एक्स माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। तो उसको अपने कैसे लिख सकते हैं? एक्स एफ एक्स डी एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। दिस इज नथिंग बट व्हाट? एक्स स्क्वायर माइनस, ओके, ये जो बता दिया कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई। एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स वाई माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स इनटू एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई। वेरी गुड श्रेय, ठीक है। यहाँ पे जिन लोग बोले, वेरी गुड। सो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स वाई माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स इनटू एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई। ये वाला एक्सपेंशन किसी को याद है? ई टू द पावर एक्स का, टेबल बुक 3, पेज 3। हाँ, 1 प्लस एक्स बाय 1 फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल। वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है। ये भी हम लोग यूज करेंगे। लिखते जाओ, तुम क्यों नहीं लिख रहा है? लिखा, अच्छा तुम देख लिया था क्या? ठीक है। सो नेक्स्ट, एक पॉलिनोमियल इक्वेशन कैसा दिखता है हमारा? AX² प्लस BX प्लस C, बेसिक पॉलिनोमियल इक्वेशन। तो अगर लेट्स सपोज मुझे इसमें लिमिट्स लेने हैं, x टेंड्स टू इन्फिनिटी पॉलिनोमियल ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय ई एक्स, तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? इट्स वेरी बेसिक। पॉलिनोमियल ऑफ एक्स, लेट्स सपोज यहाँ पे जो मैंने इक्वेशन लिया है यही ले लेते हैं, ठीक है।
एंड इसका एक्सपेंशन करते हैं। मैं नाम क्या है? आदर्श। सब आदर्श बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। एक और मेरा स्टूडेंट है आदर्श, वेरी इंटेलिजेंट, ही इज अबाउट टू क्वालिफाई। ठीक है, मतलब आई थिंक हाँ एक ही लास्ट पेपर दिया अपना। ये हो गया, तो अब हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे? वील जस्ट, अब तुम लोग बोलोगे इन्फिनिटी डाल देते हैं एक्स की जगह पे, तो अगर इन्फिनिटी डालेंगे एक्स की जगह पे तो क्या हो जाएगा? न्यूमरेटर विल बिकम इन्फिनिटी ऑब्वियसली, एंड डिनोमिनेटर विल बिकम इन्फिनिटी इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी इज नॉट डिफाइंड, अनडिफाइंड हो जाएगा, तो इसको सॉल्व नहीं कर सकते। सो व्हाट वील डू, वील डिवाइड बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर विद द हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स। तो कैसे करेंगे देखो, प्लस बाय एक्स, बेसिकली एक्स स्क्वायर से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को डिवाइड करेंगे। ठीक है, यहाँ क्या आ जाएगा? सी बाय एक्स स्क्वायर होगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? वन बाय एक्स, वेरी गुड, एक्स स्क्वायर होगा, वन बाय एक्स स्क्वायर होगा। यहाँ पे वन बाय एक्स प्लस, तुम लोग कुछ किए हो क्या एसी को कम या कुछ? टेम्परेचर क्या है? ठीक है, यहाँ पे एक्स बाई थ्री फैक्टोरियल एंड सो ऑन। ठीक है, अब हम लोग इसमें क्या करेंगे? नाउ जस्ट पुट इन्फिनिटी, व्हाट विल यू गेट? ए प्लस एनीथिंग बाय इन्फिनिटी इज जीरो, वेरी गुड। सो जीरो प्लस जीरो डिवाइडेड बाय जीरो प्लस जीरो प्लस, ये जो पूरा चीज है, अगर इस पूरे चीज को देखो तो एक्स आएगा, एक्स स्क्वायर आएगा, एक्स क्यूब आएगा। इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी क्या होता है? इन्फिनिटी। ठीक है, इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी इज इन्फिनिटी, तो यहाँ इन्फिनिटी आ गया, तो आपका आंसर क्या आ रहा है? जीरो, ए बाय इन्फिनिटी जीरो। अंडरस्टूड, बेसिक। सो इससे हम लोगों को क्या पता चला? क्या हमने इक्वेशन डिराइव करा कि लिमिट ऑफ एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी पॉलिनोमियल एक्स बाय ई एक्स, दिस इज जीरो। यस, बोलो कृषा। तुम क्या कर रही हो? बाय बाय हैंड रेज। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ इन्फिनिटी लिखो, किसी का कहीं स्किप हो जाए तो प्लीज बोल देना, आई विल स्लो डाउन। प्रॉपर्टीज ऑफ इन्फिनिटी, ऑल्सो जब मैं बोल रही हूँ ना उसको सुनो, ब्लाइंडली कॉपी मत करो, क्योंकि मेरा हैंड राइटिंग ऐसे बहुत अच्छा नहीं है, तो बहुत स्टूडेंट्स ना कुछ गड़बड़ करते हैं। मतलब मैंने लिखा था 1/2 ऐसे कुछ लिखा था, तो उसने पढ़ा y2, मतलब मैंने लिखा था 1/2, तो मेरा वन थोड़ा ऐसे हो गया, तो उसने मेरे पूरे उसमें लिख दिया y2 y2 ऐसे। तो जब मैं बोल रही हूँ वो भी सुनो, ये सब मिस्टेक मत करना, मतलब कुछ भी ब्लाइंडली बस कॉपी कर दिया। ठीक है वंश, ओके, ऑल राइट। चलो, पहला हमारा प्रॉपर्टी इन्फिनिटी, इन्फिनिटी प्लस सी, एनीथिंग प्लस इन्फिनिटी इज इन्फिनिटी, प्लस इन्फिनिटी इज टू इन्फिनिटी। हाँ होता है? नहीं तो भी पानी पियो। वन से टू के बीच में वी हैव इन्फिनिटी इनफाइनाइट नंबर्स, टू से थ्री के बीच में वी हैव इनफाइनाइट नंबर्स, इन दोनों को ऐड कर दोगे तो इन्फिनिटी ही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट, और इन्फिनिटी मल्टीप्लाइड बाय सी क्या होगा? इन्फिनिटी इन्फिनिटी डिवाइडेड बाय सी क्या होगा? ठीक है, नेक्स्ट, इन्फिनिटी माइनस सी, इन्फिनिटी, ओके, ठीक है, वेरी गुड। प्रोवाइडेड, यहाँ पे प्रोवाइडेड सी इज ग्रेटर देन जीरो, वरना वो माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा, है ना? है ना, सी कांस्टेंट है,
अगर वो नेगेटिव है तो इन्फिनिटी डिवाइड बाय दैट नंबर इज माइनस इन्फिनिटी ना, वही बोल रही हूँ. क्या? हाँ, इसमें भी, इन दोनों में ये कंडीशन होगा. और क्या बोल सकते हो, और क्या कंडीशंस लिख सकते हो इन्फिनिटी के? माइनस इन्फिनिटी प्लस सी माइनस इन्फिनिटी. कहीं किसी को डाउट है प्लीज ऐसे मत सोचना कि हमें नहीं समझ आ रहा. मेरे साथ होता था कि CT4 में मेरे को इस समय ब्लैंक रहती थी, मेरे को समझ में नहीं आता था एंड आई वॉज स्टूपिड नॉट टू आस्क द क्वेश्चन. तो आप लोग, किसी को डाउट है तो प्लीज आस्क. हाँ, चिराग, दिस इज पॉलिनोमियल एक्स विथ एनी पावर ऑफ एक्स एंड यहाँ आपको क्या करना है, टू सॉल्व दिस यू विल डिवाइड द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर विद द हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स. मनन, क्या इसमें क्या डाउट है? क्लियर हुआ अभी? यस मनन, ओके ठीक है. माइनस इन्फिनिटी मल्टीप्लाइड बाय सी विल गिव यू माइनस इन्फिनिटी. अगेन वही लॉजिक, सी ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए. उसके बाद इन्फिनिटी मल्टीप्लाइड बाय जीरो, जीरो के साथ कुछ भी रहेगा तो वो जीरो हो जाएगा. इसीलिए मेक योर फ्रेंड्स वाइजली, समझा? ठीक है. उसके बाद माइनस इन्फिनिटी डिवाइडेड बाय सी. हाँ, माइनस इन्फिनिटी एंड एक और माइनस इन्फिनिटी. माइनस इन्फिनिटी इज जीरो, है ना? माइनस इन्फिनिटी, वेरी गुड. क्योंकि दिस इन्फिनिटी एंड दिस इन्फिनिटी कैन बी डिफरेंट, सो माइनस इन्फिनिटी. अंडरस्टूड? क्लियर? बेसिक इन्फिनिटी के कॉन्सेप्ट्स, ठीक है. नेक्स्ट, और एक दो चीजें लिख लो इसमें. लेट्स सपोज हम बोल रहे हैं लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी ln x, log x क्या होते हैं, याद है? log x वेर x टेंड्स टू इन्फिनिटी बिकम्स, हाँ, log इन्फिनिटी क्या होते हैं? log इन्फिनिटी इज इन्फिनिटी, वेरी गुड. ठीक है, सिमिलरली अगर मैं लिख दू लिमिट x टेंड्स टू जीरो एंड ln x, log जीरो इज, log जीरो इज वन, log जीरो इज वन. क्यों बोल रहे हो, कहां से आ रहे वन? कैलकुलेटर में करके देखो ना. माइनस इन्फिनिटी, वेरी गुड. ठीक है, माइनस इन्फिनिटी. log जीरो क्या, log वन क्या होता है? जीरो. लिख लो इसको, कॉमन सेंस इज नॉट कॉमन. एक और बार तुम यॉन किया मेरे सामने बैठ के, वहां बैठ के तुम फिर रिकॉर्डिंग देखेगा, लाइव क्लास करेगा अभी. क्लियर है? क्लियर है? कोई डाउट? कोई भी डाउट यहां तक? चलो नेक्स्ट, स्टार्ट विद गामा फंक्शन. जस्ट लिखो गामा फंक्शन, हेडिंग दो. तुमको दिख रहा है बोर्ड? गामा फंक्शन. तो चार तुम लोग लिख रहे हैं? वो लिख रहे हैं? तुमको पता है ना, मैं आंख बहुत तेज है, मेरे को दिख जाता है. गामा फंक्शन, अब तुम लोगों को ये याद है कि नहीं? तुम लोगों ने यहाँ पे कितने लोगों ने एसेट दिया हुआ है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ गिविंग, उसमें पढ़ा था गामा फंक्शन, याद है? एसेट में ठीक है, नो कमेंट्स. तो नो, नॉन इंटीजर के केस में क्या होता है? नॉन इंटीजर मतलब क्या होता है? तुम्हारी बहन देखो कितनी इंटेलिजेंट है. हाँ, अब समझ में आ रहे थे कौन से टाइप में हो. ठीक है, सो नॉन इंटीजर इज बेसिकली डेसिमल्स हो गए. ये बोलती है नॉन इंटीजर इज नॉट इंटीजर. चलो, तो
ये हम लोग का गामा फंक्शन होता है, जिसको हम कैसे लिखते हैं, आर में गामा फंक्शन होता है, जैसे फैक्टोरियल होता है गामा, हम लोगों ने बेसिक्स में पढ़ा था, ठीक है, एक्स माइनस वन गामा, ठीक है, दिस इज देयर, लिख लो पेज 5 टेबल बुक, पेज 5 ऑफ टेबल बुक। एंड अगर हम इंटीजर की बात करें, तो इंटीजर के केस में गामा ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस वन फैक्टोरियल, वेरी गुड, पर पता है मेरे को तुम क्लास करके आए हैं। अब अगेन ये जो मैंने इसमें लिखा है वो क्या लिखा है, मैंने हाफ लिखा है, ठीक है, तो हम लोग इसको पता नहीं क्या, मुझे से बहुत कॉन्शियस फील होता है जब से वो ऐसा गड़बड़ हुआ है, ठीक है, एंड दिस इज रिटन एज पाई का रूट, ठीक है, ओके। अब लेट्स से सपोज ये कहीं कहीं पे आप लोग देखोगे कि हम लोग इसको यूज कर रहे हैं लॉस डिस्ट्रीब्यूशन में, 8.5 फैक्टोरियल मैंने लिखा, तो ये क्या है, नॉन इंटीजर है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, ये एक्सपेंशन है इसका 7.5, मतलब 8.5 माइनस 1 है 7.5, एंड 7.5 का गामा, ठीक है, इसको जब आप सॉल्व, अब आप इसको कैसे सॉल्व करोगे, 7.5 इंटू 6.5, 6.5 का गामा, ये चलते जाएगा, सो वी हैव 7.5, 6.5 डॉट डॉट डॉट, कहां तक जाएगा, लास्ट एक आएगा आपका 2.5 अगर आया, तो 1.5 लिखोगे, 1.5 के बाद वापस से 0.5 एंड 0.5 गामा, विच इज स्क्वायर रूट ऑफ पाई, सो कैन वी सॉल्व दिस, यस वी कैन सॉल्व दिस, ठीक है। बट अगर हम मैं बोलूं कि आप लोग को सॉल्व करना है 0.6 या 0.7, देर इज नो वे टू सॉल्व दिस इन थ्योरी, ठीक है, इसका कुछ नहीं कर सकते इन थ्योरी, अंडरस्टूड, ठीक है, क्लियर है, पीछे रिशांग क्लियर, तुमको क्लियर, तुम्हारा नाम क्या है, नहीं गौतम, और तुम स्वयं, स्वयं करना है सब कुछ, क्लियर है वरुण, क्लियर, ठीक है, वरुण बोल रहे क्या पढ़ा रही है मैम, ये मैंने पढ़ लिया है। नेक्स्ट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन लिखो, अरे तुम्हारी फ्रेंड नहीं आई वरुण, क्यों, अच्छा देखो तुम लोग आपस में नहीं बात करते हो, ये क्या है, ये नोटेशन, व्हाट डू वी कॉल दिस, व्हाट, पूरा बोलो, सीडीएस फाई या पाई, फाई 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 एक्स, ठीक है, फाई एक्स विच इज बेसिकली, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सीडीएफ ऑफ स्टैंडर्ड नॉर्मल या नॉर्मल 0.1, वेरी गुड, एंड इसको क्या बोलते हो, स्मॉल फाई ऑफ 0.1, कैसा दिखता है, नॉर्मल स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ये आपका क्या होता है, जीरो, ये क्या होता है, ये क्या होता है, ठीक है, अब बताओ ये क्या होगा, पहले वाला क्या होगा, बेसिकली सीडीएफ ऑफ नॉर्मल 0.1, जहां पे एक्स हम ले रहे हैं इन्फिनिटी, तो इसके नीचे के सारे वैल्यूज विल एड अप टू वन, वन सेकेंड, सीडीएफ ऑफ 0, इसके नीचे हाफ एंड उसके ऊपर भी हाफ, सीडीएफ ऑफ माइनस इन्फिनिटी विल बी
जीरो एंड पीडीएफ ऑफ स्टैंडर्ड नॉर्मल याद है तुम लोग को? 1/2 पाई का स्क्वायर रूट ए टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाय टू। ठीक है, कैमरा नहीं ऑन हुआ ना? क्लियर? नेक्स्ट, लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एक्स फॉलोज, लेट्स जस्ट सपोज लॉग नॉर्मल म्यू कॉमा सिग्मा स्क्वायर, लॉग एक्स क्या हो जाएगा? नॉर्मल म्यू कॉमा सिग्मा स्क्वायर एंड एफ एक्स याद है? नहीं, इसका नहीं। हाँ, इसी का एफ एक्स याद है? याद नहीं होगा ऑब्वियसली। दिस इज 1/σ2π, 1/x, एक्सपोनेंशियल हाफ लॉग एक्स माइनस म्यू बाय का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको लिख लो, याद हो जाएगा थोड़े बहुत क्लासेस में। ठीक है, डन। नाउ नेक्स्ट, हम लोग जो अब करेंगे दैट्स वेरी इम्पोर्टेंट एक्चुअली। आप लोग का ये प्रूफ है टेबल बुक पेज 18 में। सो द प्रूफ इज क्या लिखा है मैंने यहाँ पे? एक्स टू द पावर ऑफ के कॉन्स्टेंट। एल और यू है, लोअर लिमिट अपर लिमिट। एक्स टू द पावर के एफ एक्स डी एक्स, वेर एक्स फॉलोज लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो इसका मतलब प्रूफ दे रखा है इन्होंने दैट ई टू द पावर के म्यू प्लस हाफ के स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर सी डी एफ ऑफ यू के माइनस सी डी एफ ऑफ एल के, वेयर एफ एक्स इज द पी डी एफ ऑफ लॉग नॉर्मल म्यू कॉमा सिग्मा स्क्वायर। ठीक है, बेसिकली एक्स फॉलोज लॉग नॉर्मल म्यू कॉमा सिग्मा स्क्वायर। तुम लोग लिख लो, एक्स फॉलोज लॉग नॉर्मल म्यू कॉमा सिग्मा स्क्वायर। तो अब ये जो प्रूफ है ये क्या है? बेसिकली मीन कैसे निकालते हो? अगर मीन निकालते हो तो लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन कैसे निकालोगे? हाँ, मतलब ठीक है, बट लिमिट्स में आपके क्या जाएंगे? माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी जाएगा, माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी जाएगा कि जीरो से इंफिनिटी जाएगा? हाँ, जीरो टू इंफिनिटी पॉजिटिव वैल्यूज लेते हैं। क्या जाएगा बोलो? क्या आज कहाँ से कहाँ जाएगा लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में? जीरो से इंफिनिटी की माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी? टेबल बुक नहीं किसी के पास? किसी के पास नहीं है टेबल बुक, और फिर भी तुम लोग नहीं बोल पा रहे, और फिर भी तुम लोग निकाल के ट्राई भी नहीं कर रहे देखने का। ये होता है दिमाग में जंक लग जाना। बोलो, शुरू में ही है लॉग नॉर्मल।
जीरो से इनफिनिटी लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कैन नॉट टेक, लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कैन नॉट टेक नेगेटिव वैल्यूज, ठीक है. सो जीरो टू इनफिनिटी, बट यहाँ हमने रिस्ट्रिक्ट कर दिया है. वेरी गुड श्रिया, यहाँ हमने आउट ऑफ सो मेनी पीपल जस्ट वन पर्सन आंसर्ड कॉन्फिडेंटली, ठीक है. यहाँ पे हम जीरो टू इन्फिनिटी नहीं, हमने उसको ट्रंकेट किया. वी आर जस्ट टेकिंग एल एक लोअर लिमिट, यू अपर लिमिट एंड एक्स टू द पावर के. तो अगर इसको हमें इक्वेशन को सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे? दिस इज द फॉर्मूला वी कैन यूज डायरेक्टली बिकॉज इट्स देयर इन द टेबल बुक, बट इट डिपेंड्स. यूजली पहले आता था इसको प्रूव करने का क्वेश्चन जहां हम इसको पूरा डिराइव करते थे, अभी उतना नहीं आता, बट वी शुड नो हाउ टू डिराइव दिस इक्वेशन, ठीक है. तो अभी इसको हम लोग डिराइव करेंगे. चलो तो इसका प्रूफ करो, लिखो प्रूफ. सो एल यू एक्स टू द पावर के एफ एक्स डी एक्स, लेट्स एक्सपैंड एफ एक्स. अभी ऊपर हमने लिखा है ठीक है. अब इसको सॉल्व करने के लिए एक स्टैंडर्ड अप्रोच हम फॉलो करते हैं. लेट t equal to log x minus mu by sigma minus k sigma. This is the standard approach that we follow. Agar differentiating both side with respect to x, kya ho jayega? dt by dx. Aur yahan kya ho jayega? 1 by, very good, x sigma. और कुछ आएगा? बाकी सब इंडिपेंडेंट ऑफ x है, बाकी सब इंडिपेंडेंट ऑफ x है, ठीक है. सो यहां लिख देते हैं एक बार के लिए इक्वेशन नंबर 2. dx एक काम करो, उधर ले जाओ. आप लोग एक और नीचे की इक्वेशन बना लो, dx इधर ले जाओ dt के जगह पे. एंड इसको हम कैसे लिख सकते हैं? लेट्स सपोज आपको x, अच्छा हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे ना यहाँ पे. सो बेसिकली t प्लस k सिग्मा इज इक्वल टू log x माइनस म्यू बाय सिग्मा. हो क्या रहे समझो, ये इस पूरे चीज के जगह पे वी आर सब्स्टिट्यूटिंग t प्लस k सिग्मा, ठीक है. You need to substitute x to the power k also. Yeah, you need to substitute x to the power k. तो निकालो कैसे substitute करेंगे. So t plus k sigma plus mu equal to log x. So x क्या हो गया? Exponential, taking exponential on both the sides, क्या हो जाएगा? t plus k sigma sigma plus mu, ठीक है. अब एक कॉन्सेप्ट समझते हैं, लेट्स सपोज e टू द पावर x है, ठीक है. इसको हम रेस करें टू द पावर k से, तो ये क्या हो जाएगा? e टू द पावर x के हो जाएगा. क्लियर है? एनी डाउट इन दिस? बोलो पीछे, डाउट है कोई? क्लियर? क्लियर है, ठीक है. सिमिलरली वी विल डू इट ओवर हियर. क्या करेंगे? एक्स के ये अगर आप इधर कर रहे हो ई टू द पावर, सॉरी एक्स टू द पावर के, तो अगर ई टू द पावर उसमें आप रेस कर रहे हो तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एक्सपोनेंशियल इसके अंदर चले जाएगा. टी प्लस के सिग्मा, टी प्लस के सिग्मा, सिग्मा के प्लस के म्यू.
ऐसे यूके लग रहा है ना। ठीक है, अंडरस्टूड। अब ये सारी चीजें देखो एक एक करके कैसे सब्सटीट्यूट करेंगे, समझो। यहां सब्सटीट्यूट हो जाएगा, यहां सब्सटीट्यूट हो जाएगा। अच्छा, जब आप सब्सटीट्यूट करते हो तो लिमिट्स भी चेंज होते हैं, है ना? तो लिमिट्स के लिए हम लोग क्या करेंगे, एल की जगह पे अब क्या हो जाएगा, बोलो। बेसिकली आप क्या करते हो, एक्स की जगह पे डालते हो ना, तो लॉग एल मतलब आपका नया लोअर लिमिट क्या हो जाएगा, लॉग एल माइनस म्यू बाय सिग्मा माइनस के सिग्मा, ये आपका नया लोअर लिमिट हो गया। तो इसको शॉर्ट में लिख लेते हैं एल के। ठीक है, सिमिलरली यू के क्या हो जाएगा, लॉग यू माइनस म्यू बाय सिग्मा माइनस के सिग्मा, ये होता है। When you substitute, you need to substitute everything, limits also. किया है ना basic differentiation हमने? Okay, so लिखो now substituting above in equation one, ये हमारा equation one था पूरा वाला। Now substituting above in equation one, ठीक है? तो सब्स्टिट्यूट करूं एल के यू के, ठीक है? ये देखना 1/2 पाई है, ये जो एक्स है यहाँ पे, एक्स हमारा मिस आउट हो रहा है, तो ध्यान देना, ठीक है? डीएक्स एक्स सिग्मा, डीएक्स बाय सिग्मा एक्स इज एक्चुअली इक्वल टू, तो वो उधर चला जाएगा डीटी में, ठीक है? एक्स टू दी पार के, हमने यहाँ पे ऑलरेडी ये चीज पूरा इसका लिखा है। सो वी आर लेफ्ट विथ व्हाट, 1/2 पाई सिग्मा एन के उधर चला गया, सिग्मा एन एक्स सॉरी डीएक्स बाय सिग्मा एक्स चला गया डीटी में, ठीक है? तो अब इसको एक्स टू दी पावर के को कैसे सब्सटीट्यूट करेंगे, एक्सपोनेंशियल टी प्लस के सिग्मा सिग्मा के प्लस के म्यू, ठीक है? ये हो गया एक्स टू दी पावर के वाला पार्ट। इसके बाद ये वाला जो पार्ट है एक्सपोनेंशियल माइनस हाफ, ये पार्ट ये क्या बन जाएगा, टी प्लस के सिग्मा, ठीक है? तो एक्सपोनेंशियल टी प्लस हाफ रहेगा ना, एक माइनस हाफ टी प्लस के सिग्मा होल स्क्वायर डी टी डीएक्स बाय सिग्मा के, तो सिग्मा एक्स तो चला गया डी टी में, अंडरस्टूड? ठीक है, देख लो एक बार, सही है एकदम। अब ब्रैकेट खोल दो, ये बताओ ई टू दी पावर ए ई टू दी पावर बी क्या होता है, ए प्लस बी होता है, यही लॉजिक अपने यहाँ पे अप्लाई करेंगे, ठीक है? यही लॉजिक अप्लाई करेंगे। चलो करूं, जस्ट ओपन द ब्रैकेट्स एंड ऐड, मोस्ट ऑफ द थिंग्स देखेंगे कि कट जाएगा। यस, टी सिग्मा के प्लस सिग्मा के स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर प्लस के म्यू प्लस प्लस नहीं हाफ टी स्क्वायर के स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर स्क्वायर था ना बाहर, माइनस टी के सिग्मा डी टी, ठीक है? देख लो,
मैम प्लस टी के सिग्मा नहीं होना चाहिए कौन सा? मैम, लास्ट में प्लस नहीं होना चाहिए, हम माइनस टू के करते हैं ना, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अच्छा ए प्लस बी है ना, ए प्लस बी होल स्क्वायर है। ओके, हाँ ओके जरूर। ठीक है, अब बताओ क्या क्या कैंसिल आउट हो रहा है। टी सिग्मा के नहीं, ये वाला हाफ आएगा और कुछ कैंसिल आउट नहीं हो रहा है। सो वी आर लेफ्ट विथ हाफ के स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर प्लस के म्यू माइनस हाफ टी स्क्वायर डी टी। आप डिफरेंस किसके टर्म्स में कर रहे हो? आप इंटीग्रेट किसके टर्म्स में कर रहे हो? सॉरी, सब लोग अपना नेम लिखो, फोन नंबर लिखो एंड पास। आप किसके टर्म्स में इंटीग्रेट कर रहे हो? विद टर्म्स ऑफ टी। तो जो भी टी नहीं है दैट बिकम्स अ, तो वो क्या हो जाएगा, बाहर चले जाएगा। तो वी हैव 1/2 पाई, ये 1/2 पे अंदर रहने दो। ई टू द पावर हाफ के स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर प्लस के म्यू एल के यू के माइनस फिर ये हाफ में लिखती हूँ तो मुझे वो याद आता है। ठीक है, क्लियर है? देख लो। ये अंदर देख के कुछ ऐसा आपको फील हो रहा है कि देखा है कहीं? नॉर्मल का वेरी सीडीएफ, गुड, स्टैंडर्ड नॉर्मल का CDF, क्या बोल रहे हो तुम, PDF। ठीक है, तो अपने क्या करेंगे, प्लस के म्यू, इसको ना ऐसे करते हैं, इसको आप लिखो, देखो यहाँ पे बस ध्यान देना। स्टैंडर्ड नॉर्मल कहाँ से कहाँ जाते हैं? माइनस इनफिनिटी टू प्लस इनफिनिटी। ठीक है, उसके बीच में समवेयर हम यहाँ हैं एल के एंड यू के, ये निकाल रहे हैं, इसका इंटीग्रेशन करें, इसका प्रोबेबिलिटी बेस निकाल रहे हैं। तो कैन आई डू लाइक दिस, ये पूरा पार्ट माइनस ये पूरा पार्ट विल गिव मी दिस। तो ऐसे करते हैं, माइनस इनफिनिटी टू एल के सॉरी यू के एक्सपोनेंशियल ई टू द पावर दिस माइनस अगेन माइनस इनफिनिटी से एल के सेम थिंग ठीक है। के म्यू प्लस हाफ के स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर। अब अंदर जो है आपका क्या हो जाएगा, कैन वी राइट दिस, दिस इज नाउ व्हाट, दिस इज अ, दिस इज नथिंग, अंदर में पीडीएफ लिखा है हमने, तो दिस इज नथिंग बट सीडीएफ ऑफ, वेरी गुड, यूके, प्रोबेबिलिटी एक्स लेस देन इक्वल टू यूके, यही होगा ना, है ना? बोलो आप कैसे निकालते हो सी, अगर मैं बोलूं प्रोबेबिलिटी एक्स लेस देन इक्वल टू एक्स निकालना है तो आप इसको कैसे सॉल्व करते हो? आप इंटीग्रेट करते हो माइनस इनफिनिटी से एक्स एफ एक्स डी एक्स, आया याद, फ्लैशबैक आया CS1 का, दिस इज नथिंग बट एफ एक्स, ये सीडीएफ है जो हम यहाँ लिख रहे हैं कैपिटल
और यहाँ आपका ये ऑलरेडी लिखा हुआ है. अंडरस्टूड? एनी डाउट? ठीक है, बेसिक. तो पाई सॉरी फाइव यू एक्स माइनस फाइव यू के एन एल के, ये था जो हम स्टार्टिंग में प्रूव कर रहे थे. हेंस प्रूव्ड. ठीक है, अंडरस्टूड? एनी डाउट? डू वी हैव टू रिमेम्बर दिस? एक बार देखोगे याद हो जाएगा. अगर खाली ये पार्ट याद कर लोगे ना, ये पार्ट, तो याद हो जाएगा कि हम टी के जगह क्या सब्स्टिट्यूट करते हैं. ऐसे हर चीज के लिए अगर पूछने लग गए, डू वी हैव टू रिमेम्बर दिस सी एस टू में, तो हर चीज में पूछना पड़ेगा. ऑब्वियसली वी हैव टू रिमेम्बर एवरीथिंग, नॉट वेरी बिग डील. एक बार और बनाओगे याद हो जाएगा, या खाली ये वाला चीज भी याद कर लोगे तो याद हो जाएगा. ठीक है, तो एक क्विकली बना लो. अगर मैं लेती हूँ क्वेश्चन, वेयर के इक्वल टू वन, एल इक्वल टू जीरो, यू इक्वल टू इन्फिनिटी, तो आपका क्या आंसर आएगा? बेसिकली आपको ये निकालना है. अगर के वन है तो ये हो गया जीरो से इन्फिनिटी, मतलब आप ऊपर जाओ, सबसे ऊपर में जो मैंने इक्वेशन लिखवाया था, एक्स टू द पावर वन एफ एक्स डी एक्स, एक्स फॉलोज लॉग नॉर्मल व्हाट म्यू कॉमा सिग्मा स्क्वायर. इसको सॉल्व करो. बताओ क्या होगा. To show the whole proof again is a little difficult. तुम स्क्रीनशॉट लेने की कोशिश कर रही हो क्या? देखो होल प्रूफ शिया. ठीक है, मेरे साथ साथ लिखना पड़ेगा आपको क्लास में. इतना क्या पेज घुमा रहा है, इतना क्या पढ़ लिया तुम? क्या आएगा बोलो? यूके और एलके निकाल लूंगा ना पहले. यूके बोलो. नहीं किया तुम? ये करो. तुम अभी तक प्रूफ ही कर रहे हो, प्रूफ नहीं करना है हमको, फाइनल आंसर निकालना है.
नहीं वो इंटेलिजेंट है, वो तुम्हारे साथ काम करेगा, समझा? ऐसे डीमोटिवेट नहीं करो, समझ रहे हैं? ठीक है, तो अभी हम लोग के केस है, हम लोग को मैं बता दी कैसे आपका क्लास, ठीक है? किसका फर्स्ट टाइम है सीएस वन? तुम्हारे फर्स्ट टाइम हम सीएस वन देगा अभी, तुमको तो नहीं आ रहा होगा समझ में? हाँ नहीं, पर तुम सीएसएन कितना पढ़ी है? इसी अच्छा तुम उस दिन आया था, ध्यान दे गया ये चीज, पर बस सीएसएन को स्टार्ट नहीं किया अभी तक, कितने दिन हो गए हमें? चलो एक बार यहाँ ध्यान दो, उसका ना सीएस टू में तुमसे ज्यादा आएगा, से तुम उसको डीमोटिवेट कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, मार्क्स से कुछ नहीं होता। चलो यूके में क्या हो जाए, यूके विल बी बेसिकली लॉग एक्स माइनस यू, और यू हमारे केस में क्या है? सॉरी, अरे ठीक है ना यार, उफ
log u minus mu by minus k. अब ये u की जगह क्या लिखेंगे अपने, इन्फिनिटी लिखेंगे. और लॉग इन्फिनिटी क्या होता है, लॉग इन्फिनिटी क्या होता है, इन्फिनिटी, अच्छा इन्फिनिटी माइनस म्यू क्या होगा, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी बाय सिग्मा क्या होता है, इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस के सिग्मा. तो ये पूरा इन्फिनिटी आ रहा है, ठीक है. एल के निकालो, लॉग क्या हुआ, बोल, नहीं समझ आया. लॉग जीरो माइनस म्यू बाय सिग्मा माइनस के. अब अगेन यहाँ पे लॉग जीरो क्या होता है, माइनस इन्फिनिटी, वही सेम चीज आएगा, तो अपना आंसर माइनस इन्फिनिटी आ गया, ठीक है. सो व्हाट वी डू इज, अरे तुम लोग कितना बात कर रहा है, तो हम लोग इसको कैसे बेसिकली सॉल्व करेंगे यहाँ पे. तो ये मैंने क्यों लिख दिया था, ये गलत लिखा था मैंने, हाँ जीरो से सही है. तो इसका जो हमने प्रूफ निकाला था वो ये था पूरा, ठीक है. तो इसको कैसे लिखेंगे, देखो e टू दी पावर के म्यू, के की जगह पे क्या हो गया, वन म्यू प्लस हाफ सिग्मा स्क्वेर क्या होगा बोलो, सी डी एफ ऑफ म्यू के, म्यू यू के, यू के हमने निकाला है, इन्फिनिटी माइनस सी डी एफ ऑफ माइनस इन्फिनिटी, ठीक है. अब बोलो ये क्या होता है, वन, ये क्या होता है, जीरो. सो वी आर लेफ्ट विथ, एंड दिस इज एक्चुअली व्हाट, ये क्या होता है, ऑफ दिस इज द एक्सपेक्टेशन ऑफ लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. एंड ऑब्वियसली अगर आप एल के जगह जीरो, इसके जगह इंफिनिटी एंड इसके जगह वन ले रहे हो, तो आप ये क्या कर रहे हो, मजा है ना, ठीक है, अंडरस्टूड. एक सेकेंड मेरे को ना, एक मिनट टाइम, मैम गेटिंग आंसर एज मी, हाँ वेरी गुड अनव, वेरी गुड. मुझे खाली वन मिनट, आज ही करा देंगे, ठीक है, ठीक है. चलो यहाँ ध्यान दो, नेक्स्ट वील स्टार्ट, दिस इज लॉग नॉर्मल, नाउ वील स्टार्ट विथ परेटो डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है. परेटो डिस्ट्रीब्यूशन ये कैसे लिखते हैं, देखो x follows Pareto alpha comma lambda, ठीक है.
तो अगेन वी हैव टू पैरामीटर्स, इट्स अ कंटीन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन, इट कैन टेक एनी वैल्यू बिटवीन 0 एंड इंफिनिटी. सो इट्स बेसिकली, हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग लॉस डिस्ट्रीब्यूशन जो कर रहे हैं, ये होता क्या है लॉस डिस्ट्रीब्यूशन? लॉस क्या है कंपनी के लिए? क्लेम अमाउंट्स. तो क्लेम अमाउंट्स को हम मॉडल करें, व्हाट आर द डिफरेंट मॉडल्स विच वी कैन यूज, व्हाट आर द डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशंस. पहला हमने देखा लॉग नॉर्मल. सो लॉग नॉर्मल कैन टेक एनी वैल्यूज बिटवीन 0 एंड इन्फिनिटी, इट ओनली पॉजिटिव. ऑब्वियसली अगर क्लेम अमाउंट आएगा तो पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव क्लेम अमाउंट नहीं होता. तो इसीलिए 0 टू इन्फिनिटी लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. सेम परेटो, ठीक है, ओनली पॉजिटिव वैल्यूज वी कैन टेक एक्स ग्रेटर देन 0, और कोई एक्स का वैल्यू नहीं होगा. एंड इट्स अ कंटीन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन, कोई भी नंबर ले सकता है. ठीक है, तो ये दो बेसिक मॉडल्स हम लोग कर रहे हैं. सो अगेन इसका पीडीएफ, इसका पीडीएफ क्या दे रखा है, अल्फा लैम्डा टू द पावर अल्फा डिवाइडेड बाय लैम्डा प्लस एक्स टू द पावर अल्फा प्लस 1. ठीक है, इन सब के लिए आप लोग लिख लो कि अल्फा लैम्डा एक्स तो मैंने लिख ही दिए ग्रेटर देन 0. सो बेसिकली दीज कॉन्स्टेंट्स अल्फा एंड लैम्डा शुड बी ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव. ठीक है, सीडीएफ क्या होता है, सीडीएफ क्या होता है, 1 माइनस लैम्डा बाय टू दी पावर अल्फा. ठीक है, अब इसको प्रूफ करेंगे. बेसिकली सीडीएफ का प्रूफ करते हैं, बहुत इजी है इसका. तो लिखो प्रूफ, एफ एक्स. अच्छा, सीडीएफ कैसे निकालते हैं, एफ एक्स इज 0 से एक्स, एफ एक्स डी एक्स, ये आपका पीडीएफ है, ये आपका सीडीएफ है. ठीक है, दिस इज नथिंग बट प्रोबेबिलिटी एक्स लेस देन इक्वल टू एक्स. तो हम क्या करें, पीडीएफ को इंटीग्रेट कर रहे हैं 0 से एक्स तक. ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, 0 टू एक्स. पीडीएफ क्या है, अल्फा लैम्डा टू द पावर अल्फा डिवाइडेड बाय लैम्डा प्लस एक्स होल टू द पावर अल्फा 1. वेरी गुड. ठीक है, अंडरस्टूड. अब इसको करते हैं, चलो सॉल्व. इसको सॉल्व कैसे करेंगे, सो लेट्स टेक जो एक्स पी एक्स से रिलेटेड नहीं उसको बाहर ले लेते हैं कॉन्स्टेंट्स को. सो वी हैव अल्फा लैम्डा टू द पावर अल्फा बाहर चले गया, 0 से एक्स, 0 से एक्स लैम्डा प्लस एक्स होल टू द पावर माइनस अल्फा प्लस 1 डी एक्स. ठीक है, यू ऑल कैन सॉल्व दिस, y'all can solve this. कैसे करेंगे बोलो, वेरी सिंपल. खाली ये एक आपका वेरिएबल है ना, लैम्डा तो कॉन्स्टेंट है आपके लिए, तो एक नॉर्मल इंटीग्रेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, बेसिक इंटीग्रेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, एक्स टू द पावर ए है तो उसको कैसे सॉल्व करोगे, एक्स टू द पावर ए प्लस 1 बाय ए प्लस 1. ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लैम्डा प्लस एक्स टू दी पावर माइनस अल्फा माइनस 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय माइनस अल्फा 0 से एक्स. करो इसको सॉल्व. एक्सपैंड करो, लैम्डा प्लस एक्स की जगह पे ये एक्स ही रह जाएगा, माइनस 1 बाय. ठीक है, माइनस अंदर चले गया, सो 1 बाय ये
यार है ये कैंसिल आउट हो जाएगा. वी विल बी लेफ्ट विथ 1 माइनस लैम्डा बाय लैम्डा प्लस एक्स का होल टू द पावर अल्फा. क्या हो गया ये? अच्छा डन है तक तो बेसिकली अब लिख दो 1 माइनस लैम्डा बाय लैम्डा प्लस एक्स होल टू द पावर अल्फा. ठीक है. हाँ प्रथम बोलो. मैम हमको टी लेके नहीं करना चाहिए क्योंकि लिमिट्स में भी एक्स था तो दो दो एक्स। नहीं ऐसा कुछ नहीं है. अगर तुम्हें ऐसा कंफ्यूजन होता है सो यू कैन जस्ट मेक दिस एक्स एज मे बी कुछ अदर वेरिएबल ले लो, एस ले लो. ठीक है मतलब वही. हाँ टी ले लो जो भी. तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स देखो क्या होता है. लैम्डा बाय एक्स फॉलोस परेटो है ना, तो उसका एक्सपेक्टेशन क्या है. लैम्डा बाय अल्फा माइनस एक्स वेयर अल्फा इज ग्रेटर देन 1. अच्छा ये एडिशनल क्यों दे रखा है देखो. दिस इज बिकॉज अगर हमारा अल्फा लेस देन 1 है तो नीचे नेगेटिव हो जाएगा डिनोमिनेटर में, मतलब एक्सपेक्टेशन विल बिकम नेगेटिव एंड पॉजिटिव वैल्यूज का एक्सपेक्टेशन कैन नेवर बिकम नेगेटिव. सो यू नीड टू पुट दिस कॉन्स्ट्रेंट दैट अल्फा इज ग्रेटर देन 1. ठीक है अंडरस्टूड. अब इसका प्रूफ करो. चलो हम ये प्रूफ इसीलिए कर रहे हैं ना ताकि बेसिक जो हमारा हम भूल चुके हैं थोड़ा इंटीग्रेशन ये सब क्लियर हो जाए. एंड पहले ये सब एग्जाम में आता था एक्चुअली. अभी डायरेक्ट पूरा आपको निकालने को नहीं बोले, मे बी डायरेक्टली डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है बट इट मे कम इनडायरेक्टली इन सम अदर क्वेश्चंस. तो हमें पता होना चाहिए कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं. तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स कैसे निकालेंगे इज बोलो कहाँ से कहाँ. 0 से इन्फिनिटी परेटो है. ठीक है एक्स एफ एक्स डी एक्स एक्स मल्टीप्लाइड बाय उसका पीडीएफ. तो अब एक्सपैंड करो. पीडीएफ क्या हो जाएगा अल्फा लैम्डा टू द पावर डिवाइडेड बाय एक्स प्लस लैम्डा बाय टू द पावर. ठीक है याद हो जाएगा अभी तुम लोगों को पीडीएफ. इसको सॉल्व करो. कैसे करेंगे ठीक है इसको तो बाहर ले जाओ दैट्स फाइन. अब अंदर क्या बचेगा एक्स बाय एक्स प्लस लैम्डा. तो हम लोग क्या कर सकते हैं ऊपर न्यूमरेटर में एक्स प्लस लैम्डा माइनस लैम्डा कर सकते हैं. ब्रेक हो जाएगा दो पार्ट्स में.
सो लेट्स डू इट दिस वे. एक्स प्लस लैम्डा एक्स. हाँ बोलो. हाँ ये जीरो नहीं. हाँ ये भूल से लिख दिया मैंने. इन्फिनिटी ही होगा. माइनस लैम्डा बाय एक्स प्लस लैम्डा टू द पावर अल्फा प्लस वन डी एक्स. न्यूमरेटर में खाली मैंने क्या किया है, एक्स प्लस लैम्डा माइनस लैम्डा करा है और उसको ब्रेक करके लिखा है. एक स्टेप मैंने स्किप किया है बेसिकली. इट्स अंडरस्टूड ना? हम लोग ऐसे ही करते थे क्लास 12 में इंटीग्रेशन. क्लियर? ठीक है. अब इसको बताओ कैसे करेंगे सॉल्व. इंडिविजुअली एक एक करके सॉल्व कर लो. पहले वाले को क्या लिख सकते हैं, जीरो से इंफिनिटी एक्स प्लस लैम्डा टू दी पावर माइनस अल्फा, या फिर ठीक है साथ में कर अलग अलग कर लेते हैं. माइनस लैम्डा बाहर ले सकते हैं. ठीक है इट्स फाइन. एक्स प्लस लैम्डा माइनस अल्फा प्लस वन डी एक्स. ठीक है. ठीक है. कर रहे तुम क्या वे? तो अब इसको चलो ब्रेक करो. इंटीग्रेट कैसे करेंगे इसको बताओ. एक्स प्लस वेरी गुड. ठीक है तो ये अपना लिमिट्स कहां से कहां जाएगा. माइनस लैम्डा एक्स प्लस लैम्डा माइनस अल्फा बाय वेरी गुड. ठीक है. नेक्स्ट इसको करो ब्रेक. सब्स्टिट्यूट करो एक्स के जगह पे इंफिनिटी, फिर एक्स के जगह पे जीरो. तो जब एक्स के जगह पे इंफिनिटी सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या आएगा, इन्फिनिटी प्लस लैम्डा टू दी पावर माइनस अल्फा प्लस वन. अल्फा क्या था हमारा, ग्रेटर देन वन. एक्सपेक्टेशन में हमने ग्रेटर देन वन लिया था, तो अगर हम इसे डिनोमिनेटर में लिखे तो वन बाय इन्फिनिटी टू दी पावर समथिंग बिकम्स जीरो. ठीक है तो ये पूरा पार्ट जीरो हो जाएगा. होगा कि नहीं, ये पूरा पार्ट जीरो माइनस. अब एक्स के जगह पे जीरो डालो तो क्या आएगा, लैम्डा टू दी पावर अल्फा प्लस वन माइनस वन. अल्फा माइनस वन ये आ गया. हाँ माइनस वन. ठीक है माइनस. अब ये वाला पार्ट को ब्रेक करते हैं. अगेन एक्स के जगह पे इंफिनिटी डालो सो वो डिनोमिनेटर में आ रहे हैं, सो इट विल बिकम
जीरो माइनस माइनस, देखो तीन माइनस है, एक इधर, और जब अपने वहां पे माइनस करेंगे लिमिट्स वाला में तो इट विल बिकम माइनस, ठीक है। तो अब एक्स की जगह पे जीरो डालेंगे, सो लैम्डा बाय अल्फा एक्स टू दी पार, नहीं सॉरी, लैम्डा टू दी पार अल्फा, एक बार देख लो क्लियर है कि नहीं। एक बार देख लो क्लियर है कि नहीं, सब्स्टिट्यूशन जो हमने किया है कुछ गलत है? बताओ, ये वाला अल्फा आएगा ना, देख लो सही है। स्वयं ये माइनस माइनस और एक और माइनस आएगा ना, तुम जब इन्फिनिटी माइनस जीरो करोगी। अच्छा ये वाला, क्या हुआ बोलो? नीचे जो आएगा नहीं, ये अल्फा है, टू नहीं है। जो लैम्डा फिर एक्स की जगह जो जीरो है तो हाँ फिर वो उस लैम्डा से एंटर होगा। नहीं, नीचे है ना, ये ऊपर है। तुम अगर इसको ब्रेक करना चाहती हो तो तुम डिनोमिनेटर में लैम्डा टू द पावर अल्फा माइनस वन लिख सकती हो, पर वो स्क्वायर वाला चीज कैसे होगा? तुम इसमें तुम जीरो डालोगी, आज से स्टार्ट हुआ है ब्रेन काम करने से, धीरे धीरे ग्रो करेगा। इतना ना कमेंट्स मत पास किया करो, मेरे को सुन जाते हैं सब। हुआ यश, तुम लोग फिर से कर लो ना, क्या जाते हैं, प्रैक्टिस के लिए कर लो, कॉपी के पीछे ऐसे बैठा है खाली, घर पे नहीं प्रैक्टिस करना होगा। हुआ मंच, पीछे मानव लोग, दोनों बहन, ठीक है, टू सिस्टर्स, क्या क्या गलत है मतलब इसमें? तुम लोग चिढ़ क्यों रहे हो ऐसे? यहां तक हुआ, चलो अब इसको कंप्लीट करो। अल्फा जीरो, एक्चुअली पता नहीं मेरा स्क्रीन क्यों ऐसा हो गया, आई कांट सी कि इसने क्या लिखा है। जीरो कैसे आया एक बार, कौन सा वाला जीरो? मनन ये वाला, यू जस्ट पुट इन एक्स के जगह पे इंफिनिटी, सो लैम्डा इन्फिनिटी प्लस लैम्डा, तो इन्फिनिटी प्लस लैम्डा इज इन्फिनिटी, इन्फिनिटी टू दी पावर माइनस अल्फा, मतलब कि आपके डिनोमिनेटर में चले जाएगा वो, तो इन्फिनिटी टू दी पावर अल्फा, वन बाय इन्फिनिटी टू दी पावर अल्फा बिकम्स इन्फिनिटी जीरो, वन बाय इन्फिनिटी जीरो। ठीक है चलो इसको कंप्लीट करो। वन बाय
वन माइनस अल्फा, क्योंकि माइनस मैंने इधर कॉमन ले लिया है, तो लैम्डा टू दी पावर अल्फा माइनस वन भाई, मैं सोच रही हूँ कुछ तो गड़बड़ है। ठीक है मी, माइनस लैम्डा बाय अल्फा लैम्डा अल्फा। ठीक है, तो अब अगर अपने इसको सॉल्व करें, ब्रैकेट ओपन कर दो, बेस्ट है, एलसीएम एलसीएम लेने का जरूरत नहीं है, ब्रैकेट ओपन करो, तो हमारा क्या क्या बचेगा, इधर आ गया हमारा अल्फा लैम्डा बाय अल्फा माइनस वन। ठीक है, क्या बस माइनस दिस टू माइनस लैम्डा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो अल्फा, अरे अल्फा लैम्डा माइनस लैम्डा अल्फा प्लस लैम्डा बाय अल्फा माइनस वन, सो दिस बिकम्स लैम्डा बाय, प्रूव्ड। ठीक है, बोलो क्लियर है यहां तक। नेक्स्ट, थोड़ा हैबिट बिल्ड करते हैं 3 आवर्स बैठ के पढ़ने का। कॉमन इंटीग्रल फॉर परेटो डिस्ट्रीब्यूशन कॉपी करो ये एक बार, फिर मैं समझा रही हूँ। ठीक है, बेसिकली ये कॉमन इंटीग्रल मैंने क्यों लिखा है, तो क्या होता है कि जब हम री इंश्योरेंस पढ़ेंगे तो हम लोग ये इंटीग्रल काफी यूज करेंगे, सो वील जस्ट डिराइव द प्रूफ फॉर इट, सो दैट हम लोग बाद में डायरेक्टली वी कैन जस्ट यूज दिस कॉमन इंटीग्रल का प्रूफ, इंस्टेड ऑफ जस्ट प्रूविंग एवरीथिंग। तो यहाँ हम क्या कर रहे हैं, पहले वाला अगर देखोगे इंटीग्रल जो है एक्स इंटू एफ एक्स 0 से m, हम लोग एक तरीके से ट्रंकेटेड मीन निकाल रहे हैं। मीन क्या होता है, 0 to infinity, परेटो है तो इट विल गो फ्रॉम 0 to infinity। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा, 0 to infinity एक्स एफ एक्स, तो वो मीन आ गया, बट हम यहाँ ट्रंकेटेड मीन, ट्रंकेटेड मीन मतलब आप पूरा मीन नहीं निकाल रहे हो 0 to infinity, आप 0 to m निकाल रहे हो, m इज अ कॉन्स्टेंट वैल्यू बिटवीन 0 to infinity प्लस m इंटू आप क्या कर रहे हो, m टू इंफिनिटी एफ एक्स डीएक्स। सो दिस इज वॉट, कौन बताएगा, वेरी गुड, प्रोबेबिलिटी एक्स, बोल पूरा, कब पढ़ा था CS1, 3 साल पहले, ग्रेटर देन एम। ठीक है, ठीक है, क्लियर, सो दिस इज व्हाट, दिस इज प्रोबेबिलिटी कि एक्स का वैल्यू एम से बड़ा होगा, तो एम हम लोग जब रीइंश्योरेंस पढ़ेंगे इज नोन एज रिटेन्ड वैल्यू, तो यहाँ पे इट्स बेसिकली आपका अगर एम से हम लोग क्या बोलते हैं, इतना डिटेल्स में नहीं जाएंगे, एम से अगर छोटा होगा तो पूरा पे करेंगे क्लेम, अगर एम से बड़ा क्लेम अमाउंट आएगा तो एम पे करेंगे, मैक्सिमम रिटेंशन लिमिट है हमारा वो, तो इसीलिए ये पूरा हम सॉल्व करते हैं, इसको डिटेल में वील स्टडी व्हेन वील मूव टू री इंश्योरेंस चैप्टर। अब इसको प्रूव करो, इसको सॉल्व करो, प्रूव करने का कुछ नहीं है इसमें, तो पहले तो एफ एक्स की जगह पे सब्सटीट्यूट कर लेते हैं, 0 से m एक्स इंटू क्या होता है, पीडीएफ अल्फा लैम्डा टू दी पावर अल्फा बाय एक्स प्लस लैम्डा टू दी पावर, वेरी गुड, अल्फा
प्लस वन इधर इधर किधर पुट करें हम लोग? सॉल्व करना पड़ेगा पूरा। तो ये हो जाएगा हम लोग का अल्फा लैम्डा अल्फा बाय एक्स प्लस लैम्डा अल्फा प्लस वन। ठीक है, देख लो। अब इसको सॉल्व करने का ट्राई करो खुद से। बाय वी आर मल्टीप्लाइंग अभी नहीं समझना, अभी जस्ट नीड टू सॉल्व दिस इंटीग्रल। ऐसे समझो ये क्वेश्चन है, एक इंटीग्रल इंटीग्रेटिंग इक्वेशन दिया हुआ है, इस इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है, दैट्स इट। क्यों आया, कैसे आया, हम लोग करेंगे जब हम सी और ये इंश्योरेंस वाले चैप्टर में जाएंगे। सो अब नेक्स्ट इसमें क्या करेंगे देखो, हाउ विल वी सॉल्व दिस। पहले वाला तो एक बार ऐसे लिखो, एक्स इंटू अल्फा ठीक है। अब ये तुम्हारा ये देखो क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी एक्स ग्रेटर देन एम हो गया। सो दिस इज नथिंग बट वन माइनस प्रोबेबिलिटी एक्स लेस देन, ये होता है एंड दिस इज व्हाट सीडीएफ। मतलब क्या होता है, सारा प्रोबेबिलिटी शुड एड अप टू वन ना, तो ग्रेटर देन एम है तो दिस इज इक्वल टू वन माइनस, समझा ना? ठीक है, तो अब यहाँ पे इसको कैसे लिखेंगे, वन माइनस एफ एम सी डी एफ, दिस इज सी डी एफ अब जो तुम बोल रहा था ना कि फ्रॉम अबव, सिद्धार्थ जो बोल रहा था कि अब हम लोग ऊपर से क्यों नहीं लिख लेते, अब हम लोग वो कॉपी कर सकते हैं। तो देखो ये जो पूरा चीज है, ये पूरा सेम जस्ट एम के जगह इन्फिनिटी हमने ऊपर डाल के पूरा प्रूफ किया था, याद है? ये देखो यहां तक हमने ब्रैकेट कहाँ खोला था, ये पार्ट, यहाँ हमने जीरो एंड इन्फिनिटी पुट किया ना, बट यहाँ तक तो सब कुछ सेम है, इक्वेशन सेम है, जस्ट लिमिट इज डिफरेंट, इन्फिनिटी की जगह एम है। सो वी कैन डायरेक्टली यूज, ये पूरा प्रूफ करने का जरूरत नहीं है, अब ये इक्वेशन हम लोग डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। तो लिखो यूजिंग द प्रूफ फ्रॉम अबव, using the proof from above, क्या हो जाएगा, alpha lambda to the power alpha minus 1 by alpha minus 1 lambda plus x whole to the power, but आपके limits में अब क्या आ जाएंगे, instead of infinity m minus ठीक है, एक सेकंड मुझे देखने दो। ठीक है, देख लो, यूजिंग द प्रूफ फ्रॉम अबव। शेड्यूल के अकॉर्डिंग नेक्स्ट क्लास कब है, मेन क्लास जो लिखा हुआ है, ठीक है, हो जाएगा, क्लियर है ये? क्या नहीं क्लियर हुआ वंश? हाँ देखो कुछ नहीं किया, पूरा वही, ये जो ऊपर में इक्वेशन तुम बनाया है ना, ये पूरा सेम एज इट इज कॉपी पेस्ट किए, जस्ट इंफिनिटी की जगह वी हैव रिटन एम, बिकॉज़ ये जो आपका इक्वेशन है ये वाला,
दिस इज सेम एज द फर्स्ट इक्वेशन, जस्ट इन्फिनिटी की जगह वी हैव एम, अदर्स एवरीथिंग इज सेम. देख लो, एनी डाउट? आकाश क्या हुआ, बोलो क्या डाउट है? पीछे वरुण, अच्छा तुम भी वरुण, तुम भी वरुण, तो वरुण यार सॉल्व करो इसको, चलो सब्स्टिट्यूट करो. अल्फा लैम्डा टू द पावर अल्फा सब्स्टिट्यूट करेंगे, वन माइनस वन बाय अल्फा माइनस वन. मेरा एक डाउट है. हाँ बोलो. हाँ, ये अभी माइनस साइन नहीं होना चाहिए ना न्यूमरेटर में, क्योंकि माइनस साइन तो तब आएगा जब लिमिट्स लगा देंगे हम. नहीं देखो इधर आओ, उधर मैंने ऐसे लिखा है माइनस अल्फा प्लस वन है. अच्छा तो माइनस कॉमन ले लिया, तो इधर अल्फा माइनस वन है. ठीक है ये आएगा m डालने से, x की जगह m डाल दिया हमने, माइनस 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 प्लस इनफैक्ट अल्फा माइनस वन लैम्डा टू द पावर अल्फा माइनस वन x की जगह जीरो. इसको ब्रेक करो, माइनस 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 हो गया आपका लैम्डा बाय अल्फा लैम्डा प्लस m टू द पावर अल्फा. ठीक है ठीक है. अब देखो नेक्स्ट, एक काम करो इन दोनों इक्वेशंस को साथ में लिख लो एंड इसको, बिकॉज देखो यहाँ पे भी लैम्डा प्लस एम है, यहाँ पे भी लैम्डा प्लस एम है ना, तो इन दोनों को साथ में लिख लेते हैं एंड इन दोनों को साथ में लिख लेते हैं, तो उससे बेटर सॉल्व कर पाएंगे. सो वी हैव अल्फा माइनस वन लैम्डा प्लस एम अल्फा माइनस वन प्लस लैम्डा बाय अल्फा. ठीक है ये एक लिखा. And second and fourth equations together. Plus m to hai. ठीक है अब नेक्स्ट इसको सॉल्व करो. लैम्डा प्लस एन कॉमन आ जाएगा, इन बाहर ले लो, तो ये हो जाएगा लैम्डा प्लस एम होल टू द पावर. लेट्स टेक अल्फा, अल्फा माइनस वन इज कॉमन. ठीक है प्लस इसमें क्या कॉमन ले सकते हैं,
लैम्डा टू दी पावर अल्फा माइनस वन कॉमन ले ले न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, तो लैम्डा टू दी पावर अल्फा माइनस वन इज कॉमन, 1 बाय अल्फा माइनस 1 दैट्स इट माइनस लैम्डा बाय अल्फा लैम्डा प्लस एम 1 माइनस ओके okay. क्लियर हो रहे हैं? पीछे ठीक डोंट वरी, 2 वीक्स, बस 2 वीक्स का बात है, फिर एकदम तुम भागेगा. नींद आ रही है तुमको? फोन चाहिए? करो सॉल्व, इसके लिए भी वेट कर रहे क्या? एलसीएम लेना होगा, मेहनत करना होगा थोड़ा. करो देखो, मैंने एलसीएम ले लिया, ठीक है, ब्रैकेट ओपन कर दिया, प्लस किधर बोल, हाँ माइनस अल्फा एम होगा, सही बोला, इधर हो जाएगा ठीक है. ओके okay. डन. सॉल्व करो, देखो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, करेंगे अब लिखो. सो वी हैव माइनस लैम्डा प्लस अल्फा एम बाय अल्फा अल्फा माइनस वन लैम्डा प्लस एम, ठीक है, याद है पहला वाला? ठीक प्लस करेंगे कैंसिल आउट उसको भी, ठीक है. ट्वेंटी ठीक है,
अब क्या कैंसिल आउट हो रहा है देखो, दिस एंड दिस ये लैम्डा अल्फा प्लस 1 हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो गया, और यहाँ पे तुम्हारा ऊपर में खाली एक लैम्डा बचेगा, ठीक है, ऐसे। कौन सा? हाँ, नीचे में ना, डिनोमिनेटर में। हाँ ठीक है, तो अब देखो इसको कैसे करोगे। क्या होता है इधर? यहां तक आया तुम लोग? अब इसको करो लैम्डा टू दी पार अल्फा लैम्डा प्लस अल्फा एम बाय, देखो ये वाला और ये वाला, लैम्डा प्लस एम टू दी पार अल्फा माइनस 1 है, और यहाँ पे ये, सो दिस बिकम्स लैम्डा प्लस एम टू दी पार अल्फा, और अल्फा माइनस 1 है ना, तो मैं इसको 1 माइनस अल्फा लिख देती हूँ एक बार। आइडियली यू शुड नॉट, अल्फा माइनस 1 हम लोग को एन में निकालना है, सो लेट्स जस्ट राइट इट लाइक दिस, बाद में देखेंगे। प्लस इधर पे क्या हो जाएगा, अल्फा बाय, अच्छा अल्फा अल्फा भी तो कट हो रहा है ना, तो लैम्डा बाय, बस कुछ तुम लोग गड़बड़ किए क्या? नहीं, सही किया है। प्लस एम, अब अच्छा बताओ ये एफ एम क्या होता है, हमने ऊपर निकाला था, लिखा था CDF, क्या होता है 1 माइनस लैम्डा बाय लैम्डा प्लस एम टू दी बाय अल्फा, तो 1 माइनस कैंसिल हो गया, एंड वी आर लेफ्ट विथ दिस, एक्स की जगह एम डाल दिया मैंने। ओ एफ एम देखो ऊपर में क्या है, CDF 1 माइनस, तुम लोग ये निकलते टाइम ही बारिश आएगा। देखो CDF में 1 माइनस लैम्डा बाय लैम्डा प्लस एम टू दी पावर अल्फा, ये हमेशा होता है, मतलब क्लास में जब घुसोगे तो बारिश रुक जाएगा, और क्लास से जब निकलोगे तो बारिश स्टार्ट हो जाएगा, दिस इज द रूल। देख रहे हो नेचर का प्रोबेबिलिटी क्या सही लगता है एकदम। निशान क्या हो गया ऐसे, तुम ऐसे क्यों कर रहे हैं मानव? तुम लोग के पीछे मेरा नाम क्या है? हर्ष। पूरा नाम? हर्ष जैन। और तुम प्रथम? आकाश। हाँ आदर्श, मोहक, गौतम। शाश्वत, चिराग, यश, ईशा, सुजल, सिद्धार्थ, कशिश, फुल नेम कशिश गुप्ता, खुशी। हम तुम्हारे टू सिस्टर्स, खुशी, कृतिका, खुशबू, सब के कितना सारा के है। पलक, पलक तो बताइए मेरे को। वंश, वंश के बगल में जो बैठी है उसका नाम क्या है? प्राची? नहीं, हर्षल। तुम प्राची हो, हर्षल भाई बहन है। पीछे मेरे को बताए बताए बताए, ठीक है। वंश के बगल में कौन है? हाँ रजत, रजत। ठीक है, तो इसको करो। अब क्या कॉमन ले सकते हैं हम लोग? ये
और ये दिख रहा है, दिख रहा है तो करो फिर। मेरे क्लास में क्लास खत्म कब होगा ये नहीं पूछना चाहिए, वेस्ट है पूछना। एलसीएम लो। हाँ बोलो। कर दोस्त हल्का सा, ले एक स्टेप तो मिस हो गया कि ठीक है, ठीक है अभी। मैं इसको पूरा दिखा दूंगी, बस एक स्टेप और बचा है। इसको करो, यहाँ पे क्या कैंसिल आउट, यहाँ पे क्या कैंसिल आउट हो गया, ये दोनों माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन ले लो तो एम प्लस लैम्डा हो जाएगा। अरे बहुत इजी है ये सब, एग्जाम में आ जाएगा तो दिमाग ही नहीं लगाना ना। ये सोचो किया हुआ है प्रूफ, इसीलिए एग्जाम में नहीं आता है। चलो लैम्डा प्लस एम, लैम्डा प्लस एम कैंसिल आउट। अरे मतलब कि समझो ना भावना को, छोड़ के चलेगी भावना। तुम्हारा हरकत ही ऐसा है, छोड़ के जाएगी। कुछ नहीं कटेगा, हंस रहे मतलब बिना मतलब का हंस रहे खाली। पता नहीं हर चीज में लोग डबल मीनिंग निकालते हो। इसमें प्रूव्ड मत लिख देना, कुछ प्रूफ नहीं इधर। रीजन बीइंग क्यों कॉमन नहीं ले रहे मैं बताऊंगी, पहले इसको सॉल्व करो। इतना तो हम लोग स्टाइल में मारो, कॉमन ले लेते हैं। खत्म होने वाला था। क्यों? हाँ तुम टिफिन लाया ना अपना, तुम लोग दोनों जन पे थे, पूरा टाइम वेस्ट किया अपना। तुम लोग एक बार और प्रैक्टिस कर लेता, याद हो जाता, फिर करना ही नहीं पड़ता। अब देखो सो बेसिकली ये क्या है, कोई बता सकता है? अभी हमने ऊपर प्रूफ किया था, दिस इज एक्सपेक्टेशन। यस प्रथम, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स, रुक जाओ जिसका मिस हो गया, अब एक सेकेंड रुक जाओ। दिस इज एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स माइनस, हम लोग ये जो इंटीग्रल सॉल्व कर रहे हैं ना, हम लोग देखेंगे बाद में कि ये जो है ये बेसिकली एक्सपेक्टेशन ऑफ री इंश्योरर है। ठीक है, अभी थोड़ा अजीब लगेगा सुनने में, बट दिस इज द एक्सपेक्टेशन ऑफ द री इंश्योरर। जैसे हमने यहाँ पे स्टार्ट कैसे किया था, देखो हमने यहाँ पे ये वाले इंटीग्रल से स्टार्ट किया था, तो मैंने बोला था ये जो इंटीग्रल है ना, दिस इज नथिंग बट एक्सपेक्टेशन ऑफ द क्लेम पेड बाय द इंश्योरर।
ठीक है, और ये है बाय द री इंश्योर. तो अभी अगर नहीं समझ पा रहे, इट्स कम्प्लीटली फाइन. जब हम री इंश्योरेंस स्टार्ट करेंगे, हम इसको रिविजिट करेंगे एंड तब हमें ये पूरा समझ में आएगा. तो यहाँ पे क्या होता है, सपोज आप आपने किया क्या, आपने एक्सपेक्टेशन ऑफ द इंटायर क्लेम, 10 10 हजार का क्लेम आया, जो एक्चुअल आपके क्लेम आ रहे हैं कंपनी में उसका एक्सपेक्टेशन हो गया ये, उसमें से आप री इंश्योरर का हटा दे रहे हो, तो बचेगा इंश्योरर का. ठीक है, अंडरस्टूड. ये है पूरा, इसको हम लोग कॉमन इंटीग्रल बोलते हैं, जो हम लोग काफी यूज करते हैं री इंश्योरेंस में. अंडरस्टूड. अब तुम लोग को जिसको देखना है देखो, मैंने इसको छोटा कर दिया. लो रुक जाओ रुक जाओ, उतना नहीं है. हाँ करेंगे हम लोग री इंश्योरेंस. एनी डाउट टिल हियर? थोड़ा एक टॉपिक और कर सकते हैं हम लोग, तो वो तो ऐसे भी हो सकता है तुम लोग जब निकलेगा. कर सकते थे यार, मेथड ऑफ मोमेंट्स कर सकते थे. रुको रुको, उठो मत रुको. वेंसडे को क्लास है ना, सो वेंसडे वाला क्लास कितने बजे? 10:30 के अराउंड है. तो ऑब्वियसली वर्किंग प्रोफेशनल्स विल मिस. तो आप लोगों के लिए ये जो है, वील कंटिन्यू लॉस डिस्ट्रीब्यूशन, वील फिनिश. मैं बता देती हूँ क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास. हम आर नहीं स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट. 10:30 to 3:30 है ना? क्या 3:30? सो तो हाफ एन आवर बीच में मिल रहा है तुमको? 5 मिनट्स का कॉलेज है यहाँ से. सुनो, अरे तुम सुन, जो पहले उठेगा ना उसको और 10 मिनट्स बैठना पड़ेगा इधर, सोच लो. सुनो, नेक्स्ट क्लास वील फिनिश लॉस डिस्ट्रीब्यूशन. आई विल जस्ट टेक अनदर 1 आवर मैक्सिमम, वील फिनिश, देन वील स्टार्ट री इंश्योरेंस. तो जितना होगा हम पूरा स्ट्रेच करेंगे री इंश्योरेंस, पूरा फिनिश मे बी नाउ. बट एंड ये मत सोचना कि 10:30 से 3:30 है, 2:30 छुट्टी हो जाएगा, 2 o'clock हो जाएगा, इतना मैम नहीं पढ़ा सकती. मैम पढ़ा सकती है इतना, ठीक है. CS2 मैंने 6 6 घंटे भी पढ़ाए हैं, तो कोई बहुत बड़ा बात नहीं है. बस हाँ, बीच में आपको हाफ एन आवर से 40 मिनट्स का ब्रेक मैं दे दूंगी, उसमें आप लोग अपना टिफिन खा लेना जैसे जो करना है, एंड देन वील अगेन रिज्यूम. सो माई टारगेट ऑलमोस्ट हम री इंश्योरेंस खत्म कर दे, ताकि आप उसका सम्स स्टार्ट कर पाओ. ठीक है, अंडरस्टूड. एंड देन जो नेक्स्ट संडे क्लास होगा उसमें हम आर स्टार्ट करेंगे. ठीक है, री इंश्योरेंस बचा हुआ तो वो खत्म करेंगे, आर स्टार्ट करेंगे, एंड कुछ अगर सम्स पॉसिबल हुआ तो वो करेंगे. ये मेरा टारगेट है. तो आप लोग को वेंसडे के बाद से यू ऑल कैन स्टार्ट विद द रिविजन नोट सम्स. और आज क्या करना है, इफ यू ऑल वॉन्ट यू ऑल कैन गो बैक एंड यू ऑल कैन स्टार्ट रीडिंग द मटीरियल. ओके ओके, ठीक है, चलो, थैंक यू, बाय बाय. यस अनव, इट विल बी पोस्टेड, डोंट वरी. नहीं, आपको रिकॉर्डिंग क्यों करना है, हम लोग का लाइव होगा ना लेक्चर. एक और दिन है इवनिंग में, उस दिन हमारा लाइव हो जाएगा. तो मैं कह रहा था वेडनेसडे को तो आप 10:30 से ले रहे हो ना? हाँ, तो... और उसके बाद एक और दिन है ना, आई थिंक थर्सडे को या एक दिन हमने CS2 इवनिंग में भी रखा है. तो इफ यू आर एबल टू अटेंड, इफ यू आर एबल टू अटेंड दैट क्लास यू कैन. ठीक है, बट वेडनेसडे वाला जो मिस होगा.